हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं रमेश सिंह दिन के 10 बेस्ट करेंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स लेकर आपके सामने हूँ, जिसमें हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से, उन्हें ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, और देखते हैं आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पहली अपग्रेडेड नागरिकता सूची, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, पहली अपग्रेडेड नागरिकता सूची जारी की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन गौ या सी असम। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो आपको इंग्लिश में ऐसा पूछ सकता है कि NRC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप असम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी विवादित मुद्दा भी रहा इसीलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया जा रहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आपको इस तरह से पूछेगा कि किस डेट को आधार मान के, मतलब किस डेट को आधार मानकर लोगों को, उससे पहले के लोगों को दिया जा रहा है नागरिकता, उसके बाद के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो ये डेट दोस्तों याद रखिएगा, ये डेट जो है मेरा ये डेट जो होगा हमारा 24 मार्च होगा, ठीक है, 24 मार्च 1971, ये डेट आप याद रखिएगा, 24 मार्च 1971, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मतलब पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं असम के जो हमारे गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी हैं और सर्बानंद सोनोवाल जी भाजपा के CM हैं, और असम में नेशनल पार्क्स जो हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स नमेरी हो गए, डिब्रू हो गए, उसके बाद मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बाल सुरक्षा के लिए MG मोटर और किस IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच साझेदारी हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, IIT दिल्ली के बीच में हुई है साझेदारी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि बच्चे जो कभी कभी आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कार में बंद होकर बच्चे मतलब 5-6 घंटा लगातार बंद रहे, उसके बाद घुटन से उनकी मौत हो गई, तो उनके जान बचाने के लिए उन लोगों को कुछ एक ऐप रिसर्च करके बनाया जा रहा है ताकि उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प मिल सके। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किस बैंक की CEO रेणु सत्ती ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो हुआ क्या है कि रेणु सत्ती जी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का से इस्तीफा देंगे, लेकिन पेटीएम से ही जुड़ी रहेंगे, इसकी दूसरे ब्रांच किसी जो नया अभी इंस्टेंट डिलीवरी के लिए एक पूरा काम कर रहा है पेटीएम बैकग्राउंड में, तो उससे शायद ये जुड़ने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसने आज अपनी 10वीं सालगिरह मनाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहुँचे थे इसके कार्यक्रम में, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो UN डे, इसको इंग्लिश में ऐसा भी कह सकते हैं कि UN डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 30 जुलाई को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और अब एक तो डे से क्वेश्चन पूछता ही है, तो डे भी आप इम्पोर्टेंट डेज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी महिला क्रिकेटर T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्मृति मंधाना। इससे जुड़े कुछ बातें जान लेते हैं कि एक सोफी डिवाइन जो है ऑप्शन नंबर 2 में जो मेंशन नाम है सोफी डिवाइन, वो न्यूजीलैंड की है, वो भी 18 बॉल पे 50 रन बना के फर्स्ट पहले वो मारी थी, इसीलिए सेम 18 बॉल पे 50 रन मारी है स्मृति मंधाना भी, और काफ़ी अच्छी प्लेयर है, तो ये दोनों बराबरी कर लिए, लेकिन वो पहले मारे थी इसलिए दूसरा पोजिशन पर स्मृति मंधाना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रूस ओपन खिताब जीत लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौरभ वर्मा।
तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरभ वर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट का पूछेगा नहीं आपको, फुटबॉल का पूछेगा नहीं, या तो आपको जेवलिन थ्रो पूछ ले जैसे नीरज चोपड़ा है, या फिर बैडमिंटन पूछ ले, या समझ रहे हैं, या फिर टेनिस पूछ ले, मतलब कुछ यूनिक खेल ही पूछता है ताकि लोग फंसे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और सौरभ वर्मा यूनिक नेम है तो आप याद रखिएगा कि बैडमिंटन से जुड़े हैं और रसिया ओपन जीते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुरेंद्र रोसा को भारत के किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, HSBC बैंक जो है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर से हांगकांग है, और इसी के सीईओ को सुरेंद्र रोसा को सीईओ नियुक्त किया गया है। और रिक्रूटमेंट से मतलब नियुक्ति से भी क्वेश्चन रहता है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन रहता है, तो पूछने का चांस है, ठीक है। और HSBC का फुल फॉर्म भी कभी पूछ देता है, तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किन की नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला की नियुक्ति हो गई है दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किस दुर्लभ रक्त समूह की खोज की है? तो ये एकदम रिसेंटली रिसर्च है, और ब्लड जो ग्रुप है ना उससे रिलेटेड, जैसे कोई पेशेंट नया आ जाता है तो उसमें देखा जाता है या पाया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप एकदम रेयरेस्ट टू रेयर है, तो इसलिए ये न्यूज़ में बन जाता है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपी या पीनल इसको बोलते हैं, पीपी या पीनल, और कहाँ मिला, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में मिला है ये चीज़, तो दोनों दृष्टि से आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह से हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम इस तरह की तमाम वीडियोस आगे लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।